बंगाल में चक्रवाती तूफान रेमल ने दस्तक। बांग्लादेश बॉर्डर पर सुंदरबन इलाके में एंट्री तूफान से हवाई, रेल, सड़क यातायात प्रभावित। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट, कोलकाता, पूर्वी मिदनापुर, हावड़ा, हुगली में रेमल का दिख रहा है असर। बंगाल और उत्तरी ओडिशा में रेमल के चलते भारी बारिश की आशंका, धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है तूफान। चक्रवात रेमल को लेकर हाई अलर्ट पर रेस्क्यू टीम, कोस्ट गार्ड के हालात पर है नजर। पूर्वी मिदनापुर में रेमल का प्रकोप, कई हिस्सों में बारिश, बिहार और मिजोरम में भारी बारिश का अलर्ट, चक्रवात की वजह से त्रिपुरा के स्कूल बंद। कोलकाता में देखा चक्रवात का असर, डायमंड हार्बर रोड पर जमे हुए पानी में रेंगती नजर आई गाड़ियां। कोलकाता के सड़कों पर बारिश और तूफानी हवाओं के बाद से उखड़े कई पेड़, तस्वीरों में तूफान का असर दिखा। कोलकाता के अलीपुर रोड पर भी तूफान और बारिश के बाद से बुरा हाल, सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे दिखे, पेड़ गिरे हुए दिखे। कोलकाता के अलीपुर में बीती रात तूफानी बारिश, भूस्खलन भी हुआ। कोलकाता में तबाही के बीच में प्रशासन के हालात पर नजर, जगह जगह पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने रेस्क्यू के लिए मोर्चा संभाला। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में चक्रवात रेमल का असर दिखा, समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती दिखी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, चक्रवात रेमल खतरनाक तूफान में तब्दील हुआ था। पश्चिम बंगाल के सागर आइसलैंड पर तेज हवाओं के कारण सड़क पर टूटे पेड़, भारी बारिश के चलते सड़क साफ करते दिखे एनडीआरएफ की टीम। पूर्वी मेदिनीपुर में दीघा तट पर समुद्र ने तूफानी रुख अपनाया, तस्वीरें सामने आई। पूर्वी मेदिनीपुर के ताजपुर समुद्री तट पर ताजा तस्वीरें सामने आई, लहरें उठती हुई दिखाई दी। पीएम मोदी ने चक्रवात रेमल पर प्रतिक्रिया दी और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक अहम बैठक की। चक्रवाती तूफान रेमल पर बोले गृहमंत्री अमित शाह, कहा कि लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी तूफान को लेकर जताई चिंता, कहा कि बंगाल बीजेपी के कार्यकर्ताओं से हर संभव मदद करने को कहा गया। बंगाल के राज्यपाल ने लोगों से सतर्क रहने को कहा, चक्रवाती तूफान के लिए एसओपी का पालन करने का आग्रह किया। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने लोगों से घर ही पर रहने को की अपील की, कहा कि आज और हमेशा के लिए आप हम मौजूद हैं और यह तूफान तो गुजर जाएगा। सातवें चरण के चुनाव को लेकर मिर्जापुर में पीएम मोदी ने जमकर बोला हमला, बोले कि यहां पर यूपी में माफियाओं को एक वोट बैंक के रूप में देखा जाता था। सरकार में माफिया को भी वोट बैंक के हिसाब से देखा जाता था। पीएम मोदी ने अपनी रैली में सीएम योगी का भी जिक्र किया, बोले कि अच्छे योगी जी अच्छे अच्छे की गर्मी उतारने में एक्सपर्ट। हमारे योगी जी तो अच्छे अच्छों की गर्मी उतारने में एक्सपर्ट है। पीएम मोदी के सभा पर तंज बोले कि जनता डरती थी, अब माफिया थर थर कांपते हैं। चुनावी अटकलों के बीच में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बीजेपी पर हमला, कहा कि हमें बीजेपी से ज्यादा विश्वास है कि हम जीतने वाले हैं और वो हारने वाले हैं। हम हारेंगे जब इस बार गठबंधन ही जीतने वाले हैं। यूपी में आरक्षण के मुद्दे पर पीएम मोदी का प्रचार प्रहार, कहा कि धर्म के नाम पर विपक्ष को छीनने नहीं देंगे दलितों पिछड़ों का। बक्सर पहुंचे तेजस्वी यादव ने किया ऐलान, सत्ता में आए तो बंद कर देंगे अग्निवीर योजना। तेजस्वी यादव का पीएम पर हमला, बोले कि प्रधानमंत्री जांच एजेंसियों को अपना खिलौना समझते हैं। दिल्ली के एक निजी अस्पताल में आग लगने की घटना, न्यूबॉर्न बेबी केयर हॉस्पिटल में डॉक्टर नवीन खिचड़ी और एक डॉक्टर की गिरफ्तारी भी अब हुई है और दोनों कोर्ट में किए जाएंगे पेश। दिल्ली की अदालत में दोनों ही आरोपियों के लाइसेंस रद्द करने की मांग की जा सकती है और लापरवाही में शामिल अन्य लोगों पर भी शिकंजा का सेगा। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का विपक्ष पर हमला, बोला अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को दर्द और आंसुओं का पहाड़ बना दिया, इसका जिम्मेदार कौन होगा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने केजरीवाल सरकार पर साधा निशाना, हर भ्रष्टाचार के लिए बताया जिम्मेदार, कहा कि दोषियों को सरकार देती है संरक्षण। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि, सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि।
लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के लिए मतदान के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने झोंकी पूरी ताकत, 1 जून तक प्रधानमंत्री वाराणसी में उनके रहने की अब संभावना। चुनावी रण के बीच में वाराणसी में होंगे बीजेपी के अध्यक्ष, पूजा और दर्शन के बाद लोगों से होंगे रूबरू। गृहमंत्री अमित शाह का भी आज यूपी का दौरा, कुशीनगर, बलिया और वाराणसी में गृहमंत्री अमित शाह चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधन। चुनावी उठापटक के बीच में आज बिहार का रुख करेंगे राहुल गांधी, बख्तियारपुर, पालीगंज, भोजपुर में आयोजित चुनावी जनसभा में लेंगे भाग। आज हिमाचल के कांगड़ा में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी होंगी कांग्रेस उम्मीदवार के लिए करेंगे प्रचार। कंगना को विक्रमादित्य ने दिया जवाब, कहा कि मुंबई जाकर अपना काम संभाले, यहां की जिम्मेदारियां मैं संभालूंगी। हनी ट्रैप में फंसे बांग्लादेश के सांसद की हत्या को लेकर खुलासा ढाका, पुलिस का दावा कि मुख्य आरोपी अमेरिका भागा। पटियाला में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया, विपक्ष पर साधा निशाना। जम्मू के संगर रेलवे स्टेशन के पास में मालगाड़ी पटरी से उतरी, मरम्मत का काम लगातार जारी। बांदा में किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार बुआई के बीज खरीदने पर दे रही है 50% अनुदान। दिल्ली के सागरपुर फ्लाईओवर पर कार में अचानक लगी आग, धू धू कर जलती दिखी कार। असम के बुंगा गांव में सिलेंडर फटने से घर में लगी आग, आग का वीडियो वायरल, आग से पूरा घर जलकर खाक, पीड़ित को लाखों का नुकसान। आगरा के शाहदरा में ब्रश निर्माण फैक्ट्री में भीषण आग, आग लगने की वजह अब तक स्पष्ट नहीं। हाजीपुर में ऑनलाइन ऑर्डर करके डिलीवरी बॉय से लूट, घटना सीसीटीवी में कैद, 4 गिरफ्तार। जैसलमेर में खजूर फार्म में भीषण आग, आग से 2000 से ज्यादा खजूर के पौधे जल गए, 6 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। उन्नाव में बच्चे के जन्म के बाद से महिला की मौत, परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का लगाया आरोप। बर्दवान में महिला ने अपने गुरुदेव को बेहोश करके लूटा घर, आरोपी महिला सीसीटीवी में कैद। चारधाम यात्रा के दौरान रील बनाने वाले लोगों की संख्या बढ़ी, प्रशासन ने बढ़ाई अब सख्ती। चारधाम यात्रा के दौरान धामों में 50 मीटर के दायरे में रील बनाने पर लगाई गई है रोक, चमोली में अब तक 70 लोगों के खिलाफ एक्शन। केदारनाथ मार्ग पर रील बनाने वाले 66 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, पुलिस ने एक्ट 81 के तहत कार्रवाई की, मोबाइल से रील डिलीट करने के साथ साथ आर्थिक प्रतिबंध भी लगाया। तिरुपति बालाजी में दर्शन के लिए उमड़ रही है भारी भीड़, लोगों के खचाखच भरा मंदिर परिसर में सड़कों पर तस्वीरें सामने आई। गोवा के साली गांव में गोवा हेरिटेज फेस्टिवल 2024 का आयोजन, गोवा के खान पान, सांस्कृतिक और परंपरा से रूबरू हुए लोग। मानसा में नशे के ओवरडोज में 18 साल के एक युवक की मौत, मामले की जांच कर रही है पुलिस। झालावाड़ में एक निजी लैबोरेटरी में युवक ने लाठियों से तोड़फोड़ कर दी, एक कर्मचारी घायल, घटना सीसीटीवी में कैद। बुलढाणा में एक रुकी हुई बस में खंभा गिर गया, तेज हवा के चलते यह हादसा हुआ। छतरपुर में पुलिस ने आईपीएल सट्टेबाजी करते हुए सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया, बाकी आरोपियों की तलाश जारी। हनुमानगढ़ में एक मकान में चोरी का 21 तोला सोना बरामद किया गया, तो दो चोर गिरफ्तार किए गए। अलवर में 1 लाख रिश्वत मांगते हुए दो डॉक्टर्स और एक दवा दुकानदार गिरफ्तार। खूंटे में एक सूखे कुएं में गिरा शख्स, दम घुटने से मौत। पणजी में सड़क किनारे के झोपड़ियों में बस में घुसने से 4 मजदूरों की मौत, 5 घायल। यूपी के बांदा में गैंगरेप का मामला आया सामने, जांच में जुटी है पुलिस। शाहजहांपुर में नदी में नहाने गए 3 बच्चों की डूबकर हुई मौत, भीषण गर्मी के चलते बच्चे नदी में नहाने गए थे। भारत पे और फोन पे ने सुलझाया ट्रेडमार्क विवाद, दोनों ही कंपनीज के बीच में पे के इस्तेमाल को लेकर पिछले 5 साल से चल रहा था विवाद। ईज माई ट्रिप के फाउंडर अब गोफर्स को नहीं खरीदना चाहते, निशांत पिट्टी ने वापस ली बोली। दौसा में भीषण गर्मी से लोग हैं परेशान, लगातार बढ़ रहा है टेम्परेचर। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में गर्मी का कहर, तापमान 49 डिग्री पर पहुंचा। राजस्थान के बाड़मेर में भीषण गर्मी का प्रकोप, हीट स्ट्रोक के चलते कई मरीज अस्पताल पहुंचे। अकोला में तेज धूप के बाद मौसम ने ली करवट, बारिश हुई, तूफानी हवाओं ने किसानों को हालांकि पहुंचाया नुकसान। वाशी में तेज हवा ने धराशायी किया एक भोजन मंडप भी, मौसम बारिश से लोगों को हालांकि गर्मी से मिली राहत।